हेलो वेलकम बैक न्यू वीडियो, हैप्पी जन्माष्टमी गाइस आप सभी को। सो गाइस मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो मैं बनाने जा रही हूँ मेवा की कतरी। मेवा की कतरी बनाने के लिए गाइस गैस को ऑन करेंगे और इसमें 2 छोटे चम्मच देसी घी डालेंगे और घी को गर्म करेंगे और सबसे पहले भूनेंगे गौन। गौन अच्छी क्वालिटी का लेना है और थोड़ा थोड़ा करके हाई टेम्परेचर में इसको फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने गैस को हाई फ्लेम पर रखा है और थोड़ा थोड़ा करके गौन डालना है। गौन गाइस अच्छी क्वालिटी का अगर होगा तो बढ़िया आपका फूल फूलेगा और बढ़िया बनेगा। तो गाइस इस तरीके से आप गौन को फ्राई कर सकते हैं, तल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं गौन तल लिया है और गौन को देसी घी में ही तलना है। तो गाइस जन्माष्टमी में गाइस मेवा बनाने के लिए गाइस इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं आप। अगर आपके पास मावा कम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कम में भी बना सकते हैं, ज़्यादा है तो ज़्यादा में भी बना सकते हैं। तो गाइस कान्हा जी के लिए भोग लगाने के लिए तो आप सभी लोग प्रसाद बनाएंगे, तो प्रसाद आप इस तरीके से गाइस आप बना सकते हैं मेवा की कतरी। तो बहुत ही आसानी से बनने वाली है, आप पूरी वीडियो देखिएगा, आप मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मावा की कतरी कैसे बनाई जाती है। तो गौन इस तरीके से मैंने तल लिया है। तो घी मैंने क्वांटिटी मैंने बताया था 1 छोटा चम्मच, तो 2 छोटे चम्मच डालना है और इस तरीके से गौन को पूड़ी की तरीके तल लेंगे। तो लीजिए गौन बनकर तैयार हो गया है फ्राई। इस तरीके से गाइस आप गौन फ्राई कर सकते हैं। तो अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे कि गौन की कतरी कैसे बनानी है मेवा की। तो कढ़ाई गर्म हो रही है, गर्म होने के बाद इसी कढ़ाई में आपको डाल देना है घी। तो बस 1 चम्मच घी की क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है। तो अब मैंने लिया है मखाना, छोटे छोटे पीसेस मखाने के कर लिए हैं, तो मखाने को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मखाने को गाइस तलना नहीं है, बस 1 चम्मच घी डालकर मखाने को कुरकुरा कर लेना है। तो करारे हो जाएंगे तो कतरी बन में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनने वाले हैं। तो इस तरीके से गाइस मखाने को भी उसी कढ़ाई में ही फ्राई कर लिया। अब तब आगे देखेंगे कि मखाना अच्छे से बन गया है। तो गौन मैंने जिस थाली में गौन निकाला था उसी थाली में ही मखाना निकाल लेंगे। और मखाने के गैस मैंने 1 मखाने के 4 पीसेस किए हैं। तो इस तरीके से गैस मखाने को भी लीजिए, अच्छे से फ्राई कर लिया है तो मखाने को भी उसी थाली में रख लेंगे। अब गैस को लो फ्लेम पर कर देना है। तो लीजिए गौन और मखाना तैयार हो गया है। अब मैंने लिए हैं बीजे खरबूजे के, खरबूजा के बीजा, उसमें ऑयल नहीं डालना है, बस उसी कढ़ाई में ही हल्का सा गरम कर लेना है। थाली ढक देंगे नहीं तो छिटकने लगेगा इधर उधर, सारा बीजा जो है खरबूजे का भागने लगता है। तो इसको पकड़ने के लिए गाइस थाली ढक देनी है और इसमें ऑयल नहीं डालना है, घी नहीं डालना है। तो लीजिए मैंने बीजे को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब मैंने जो भी आपके पास मेवा हो तो इस तरीके से आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बादाम के छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। ये मैंने छुहारे जो हैं गैस को ऑफ कर दिया है और छुहारे को हल्का सा उसकी नमी को ख़त्म किया है, जिससे ये हल्के से ऑलरेडी मीठे होते हैं। अब मैंने लिया है गरी के लच्छे। गरी के लच्छे जो होते हैं, जो गरी होती है, गरी नारियल का गोला जो होता है उसको कद्दूकस कर लेते हैं तो उसके जो लच्छे निकलते हैं, तो वो मैंने गरी में किए हैं। मैंने एक नारियल को लिया था, फोड़ लिया था और फोड़ने के बाद उसको लच्छे निकाल लिए थे कद्दूकस से। तो इस तरीके से अब इसमें भी ऑयल नहीं डालना है, ऑलरेडी इसमें घी होता है, और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो इसी के गरी के लच्छे, तो गरी को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है तो इसको भी निकाल लेंगे। गैस को लो फ्लेम पर ही रखना है। तो इसको गैस गरी का बुरादा भी बोलते हैं, गरी के लच्छे भी बोलते हैं। तो इस तरीके से तेज़ आँच में अगर आप करेंगे तो ये जल जाएंगे। तो इस दूसरी थाली में भी निकाल लेंगे इसी तरीके से, कढ़ाई को साफ कर लेंगे। तो लीजिए मैंने सारा गरी के लच्छे जो हैं, गरी का बुरादा है, उसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब लेंगे 1 गिलास पानी चाशनी बनाने के लिए। चाशनी की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट रखनी है। और मैंने लिया है 250 ग्राम से ज़्यादा चीनी, 300 ग्राम समथिंग चीनी है। ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मेवा में ज़्यादा चीनी हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छे से मीठा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 कटोरा बॉयल आपने देखा है, तो 300 ग्राम समथिंग मैंने चीनी इसमें डाल दी है।
चाशनी में ऑयल आने लगी है। अब चाशनी दो तार की बनानी है। अब इसमें मैंने डाल दिया है किशमिश एक कटोरी, किशमिश को फ्राई नहीं किया है। गैस को हाई फ्लेम पर करेंगे और इसको बनाएंगे दो तार की चाशनी। दो तार की चाशनी को आप इस तरीके से जब दबाएंगे तो उंगली में अच्छे से जब चिपकने लगती है चाशनी तो इसमें दो तार निकल कर आते हैं। तो इस तरीके से गैस दो तार की चाशनी जब बनने लगती है एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेंगे और इसमें डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि नीचे चाशनी पक जमने लगी है। तो ये गैस इस तरीके से भी आप पहचान लगा सकते हैं कि चाशनी परफेक्ट तैयार हुई है कि नहीं। तो अब जो कड़छली से इस तरीके से मैं डाल रही हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि दो तार निकल कर आ रहे हैं और जो कढ़ाई होती है कढ़ाई के किनारे जो चीनी जो है चिपकने लगती है, जमने लगती है। तो अब आप देख सकते हैं चाशनी परफेक्ट तैयार हो गई है। तो इस तरीके से जब चलाएंगे और चलाने के बाद गैस को हाई फ्लेम पर ही रखना है और ये दो तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई। अगर तीन तार की चाशनी हो जाएगी तो आपकी मेवा जो है अच्छे से कतली नहीं बन पाएंगी, जमेगी नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि दो तार मैंने दिखाए हैं कैमरे में, अच्छे से दिखाया है। ये दो तार की चाशनी ही आपको बनानी है। तो ये परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। बड़ी सी परात ले लेंगे या बड़ा सा थाली ले लेंगे, उसमें लगाएंगे घी, देसी घी लगाना है। चारों तरफ ग्रीस कर लेंगे अच्छे से और ग्रीस करने के बाद जो मावा जो मेवा मैंने फ्राई की थी वो इसमें डाल देंगे। तो वैसे आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो वैज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिएगा क्योंकि जन्माष्टमी के लिए मैं बना रही हूँ ये प्रसाद। तो आपको प्रसाद की रेसिपी कैसी लगी गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कौन सी जगह से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं तो बताइएगा। तो इस तरीके से गाइस जो मैंने फ्राई की थी, तली थी, गोंद तला था, फ्राई किया था, कितने भी आपके पास मेवा हो तो अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। अगर कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा है तो ज़्यादा ले लीजिए। तो इस तरीके से कढ़ाई के अकॉर्डिंग मैंने लिए, कढ़ाई पूरी परफेक्ट अच्छे से भर चुकी है। दो कड़छुली से इस तरीके से चलाएंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। अब कतली बनने के लिए परफेक्ट चाशनी हो गई है और कतली अच्छे से बनकर तैयार हो गई। इसको ज़्यादा अच्छे से चलाएंगे तो मेवा आपकी अच्छे से चाशनी में पक जाएगी। तो अब जब दूसरी कड़छुली से मैं इस तरीके से निकाल रही हूँ आप देख सकते हैं कि ये जमने लगी है, गैस को ऑफ कर दिया है और उसी परात में सारी मेवा को इस तरीके से निकालेंगे। गोंद को गैस मिक्सी में नहीं पीसना है और इस तरीके से सब निकालने के बाद इसको जमा देंगे। तो गैस इसमें मैंने बीजा और खरबूजे के बीजे हैं, मखाने, छुआरा, चिरौंजी, किशमिश, जो भी पंचमेवा की कतली बनाई है मैंने। तो गैस पंचमेवा की कतली बनकर तैयार हो गई है और तुलसी पत्र रख के आप बिहारी जी के लिए भोग लगाइएगा। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा मेवा की कतली किस तरीके से बनाते हैं। तो ये मावा की कतली बनकर तैयार हो गई है। एक गिलास ले लेंगे, बराबर से सबको कतली को जमा देंगे और इसको एक घंटे के लिए पंखे में रख देंगे। जब पंखे में रख देंगे तो ये जम जाएगी और जमने के बाद इसको काट लेंगे। तो गाइस जन्माष्टमी में इस तरीके से आप रेसिपी बना सकते हैं। जन्माष्टमी में या नवरात्रि में या कोई व्रत है आपका उसमें भी आप बना सकते हैं। गणेश जी के भी दिनों में आप मावा की कतली बनाइएगा और भोग लगाइएगा और ये ख़राब ही नहीं होती है, काफ़ी टाइम तक रख कर इसको खा सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस आप बनाएंगे तो परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इस पर रख देती हूँ पंखे की हवा में। तो लीजिए बनकर तैयार हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आधा घंटा हो चुका है और इसको ठंडा कर लिया है और जिस प्रकार से मैं कतली बना रही हूँ इसी तरीके से आप अगर बनाएंगे तो सच मानिए आपकी बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। और आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने जमाया था पूरी की पूरी थाल में जम गया है। इसको गैस चाकू से नहीं कट पाएगी, बस आपको इस तरीके से पीसेस में काटना है, तोड़ना है। तो गैस इस तरीके से बनकर तैयार हो गई है। तो लीजिए मैंने सर्व कर लिया है। तो ये मावा की कतली, आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ गैस मोदक और मोदक बनाऊंगी मैं चावल के। तो गैस चावल के मोदक किससे बनते हैं तो आप सभी को गणपति बप्पा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो गैस मोदक बनाने के लिए अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो घर में पीस सकते हैं। तो गैस मैंने एक कटोरी चावल मिक्सी में पीस लिया है और छन्नी से छानने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये महीन हो गया है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल महीन छन्नी से छान सकते हैं और या फिर वो चाय वाली लोहे की छलनी इससे भी छान सकते हैं। तो इस तरीके से छानेंगे तो ये परफेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो गैस मैंने घर में आटा, होममेड आटा तैयार किया हुआ है। तो इस तरीके से आप एक कटोरी आटा घर में पीस सकते हैं। तो बहुत इजीली बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से। तो बनाने के लिए मैंने लिया है
एक कटोरी गुड़, किशमिश, चिरौंजी और दो इलायची, सफ़ेद तिल ले लेंगे आधी कटोरी। अगर आपके पास तिल अगर नहीं है तो आप खसखस भी ले सकते हैं। तो गैस मैंने वाइट तिल ले लिए हैं। एक कटोरी मखाने बारीक कटे हुए, एक कटोरी गैस गरी के लच्छे, जिसको गरी का बुरादा कहते हैं, गरी का नान ले लेंगे, गरी का गोला, और गोला को मैंने कद्दूकस करके इसका बुरादा घर में तैयार किया है। तो इस तरीके से लच्छे आप बना सकते हैं, चाहे तो बाजार वाले भी लच्छे ले सकते हैं जिसको बुरादा बोलते हैं गैस। तो गैस ले लिए हैं, चलते हैं मोदक कैसे बनाएं। तो ये गैस सभी लोगों को बहुत पसंद आते हैं, ये महाराष्ट्रीय रेसिपी है और ये चावल के मोदक गणेश जी को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो चलते हैं फटाफट मोदक कैसे बनाएंगे। गैस को ऑन करेंगे, चाय वाला फ्राई पैन रख देंगे इसके ऊपर और इसमें डालेंगे एक गिलास पानी। पानी अभी इसमें और पड़ेगा, आधा गिलास और डालेंगे। तो गैस समथिंग 1.5 गिलास इसमें पानी डाल देंगे। तो आटे के अकॉर्डिंग आपको पानी डालना है। इसको ढक देंगे पानी को, इसमें खोल जल्दी आ जाए, और इसमें मिलते हैं खोल आने के बाद। पानी में गैस बॉयल आ गई है और अच्छे से खोल गया है। अब इसको प्लेट को हटाएंगे। पानी में गैस अच्छे से बॉयल जब आने लगे तो नमक ले लेंगे। स्वाद अनुसार नमक नहीं डालना है, बस एक चुटकी नमक डालना है, एक पिंच। तो एक पिंच की जगह 2 पिंच भी कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं पड़ना है। गैस को ऑफ कर देंगे और ये जो आटा मैंने पीस कर तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। पानी मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं पानी थोड़ा सा कम कर लूँगी। अब जो आटा है वो इसमें डाल दूँगी। अब इसको चला देंगे। तो चलिए इसको ढक देते हैं, ढक देते हैं। तो चलिए इसको मैंने ढक दिया है। तो अंदर मोदक में स्टफिंग भरने के लिए तैयार कर लेंगे। तो गैस को ऑन करेंगे दोबारा से और कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई नहीं है तो फ्राई पैन रख देंगे, जो भी अवेलेबल हो वो आप रख सकते हैं। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी तब इसमें ये गुड़ डाल देंगे। गुड़ को फोड़ लेंगे ताकि आसानी से ये मेल्ट हो जाए। और इसको पानी नहीं डालना है, गैस को थोड़ा सा तेज कर देंगे, फिर थोड़ा सा लो कर देंगे। तो आप देख सकते हैं गुड़ पिघलने लगी है। तो गैस आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से जब हीट अंदर से गर्म हो रही है, गैस को मैंने हाई फ्लेम पर कर दिया है और ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और इसको इस तरीके से थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो ये गैस आप देख सकते हैं कि गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसमें गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि अच्छे से गुड़ पिघल गया है। अब इसमें डाल देंगे गरी के लच्छे, गरी का बुरादा। अब इसमें डालेंगे किशमिश, मखाने, चिरौंजी और तिल और इसको चलाएंगे। और इलायची को गए जिस तरीके से फोड़ के डाल देंगे, और चाहे तो आपके पास इलायची पाउडर हो तो फिर इलायची पाउडर ले सकते हैं। तो इसके इलायची के बीजे डाल देंगे इस तरीके से। गैस को ऑफ कर देंगे। तो अंदर स्टफिंग भरने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। अब इसको ठंडा कर लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। गैस थाली ले लेंगे और थाली में चावल का आटा निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स अब इसको चम्मच से इस तरीके से मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से अच्छे से फोड़ लेंगे इसको। तो अच्छे से फोड़ लिया है, अब इसमें डालेंगे गाइस देसी घी। तो इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। अब इसको हाथ से मिक्स करेंगे, अच्छे से मस लेंगे और इसका डो बना लेंगे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसका मैंने
परफेक्टली डो तैयार कर लिया है और बहुत ही आसानी से गाइस आप बना सकते हैं मोदक। तो आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस खत्म हो गई है और कितना सॉफ्ट हो गया है। अब इस तरीके से इसको तोड़ लेंगे नींबू के आकार का। इस तरीके से आप मोदक बना सकते हैं गाइस। तो पूरी वीडियो देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। तो इसको हथेली से इस तरीके से दबा लेंगे और इसको पतला कर लेंगे क्योंकि चावल का आटा है। तो इस तरीके से इसको पतला कर लेंगे। अब इसको कटोरी जैसा इस तरीके से बना लेंगे और इसकी कलियां बना लेंगे। एक कली, दो कली, तीन कली, चार कली और पांच कली। तो ये गाइस पांच कली मैंने इस तरीके से कटोरी तरीके आकार दे दिया इसका। और जो मैंने स्टफिंग तैयार की थी मोदक के लिए, अब वो इस तरीके से मैंने कढ़ाई से निकाल ली है और ये ठंडी हो चुकी है। तो गाइस इसमें इस तरीके से इसके अंदर रख लेंगे। अब जो कली जो इस तरीके से बनाई है, एक दो तीन चार पाँच, तो इनको आपस में मिक्स कर देंगे। इसको इस तरीके से ऊपर कर लेंगे और ये ऊपर कर लेंगे और ये सारी कलियों को आपस में जोड़ देंगे और ये रहा गाइस मोदक बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरीके से गाइस आप मोदक बना सकते हैं और एक मोदक ये मैंने बना लिया है और इसी तरीके से सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मोदक परफेक्टली कितना बढ़िया बना है। तो मिलते हैं सारे मोदक बनाने के बाद। और इसी तरीके से नींबू के आकार का फिर इतना तोड़ लेंगे और मोदक बना लेंगे। और ये चिकना ऑलरेडी हो जाता है इस तरीके से और इसको दबाएंगे और इसको तरीके से पतला कर लेंगे। और इसकी कलियां बना लेंगे इस तरीके से और ये कटोरी जैसा हो गया। अब इसको अंदर स्टफिंग भर देंगे। अब इस तरीके से इसको जोड़ लेंगे। बहुत इजीली आप मोदक गाइस बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो लीजिए मोदक इस तरीके से बनकर तैयार हो गया। चावल की मोदक महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है सबको और गणपति अप्पा को सबसे ज़्यादा पसंद, महाराष्ट्र की रेसिपी है ये। तो गाइस इस तरीके से आप बना सकते हैं मोदक। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से मोदक मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अभी कहीं जाइएगा नहीं, चलते हैं गैस की तरफ। और आप देख सकते हैं कितनी चमक कितनी है मोदक में मेरे गणपति बप्पा के लिए मैं बना रही हूँ। तो कितने शाइन मार रहे हैं और जब बनने के बाद और भी ज़्यादा चमक आने वाली है मोदक में। चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन करेंगे और बड़ा भगोना रखेंगे और इसमें आधा भगोना इसमें पानी रखा है, पानी में बॉयल आने का इंतजार करेंगे। सो फ्रेंड्स, पानी में बॉयल आ गई है। अब इसके ऊपर रखेंगे जाली वाली चलनी इस तरीके से और इसमें लगा देंगे ऑयल, थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, चिकना कर देंगे ताकि मोदक जो हैं वो चिपके नहीं। तो लीजिए इस तरीके से लगा दिए। अब इसको ढक देंगे अच्छे से, स्टीम आ जाए। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि थाली को हटा देंगे तो स्टीम अच्छे से आ गई है और इसमें पानी में अच्छे से खोल आ रहा है। तो अब जो मैंने मोदक बना के रखे थे वो इसके ऊपर एक एक करके मोदक रख देंगे और इसको भाप में बफा लेंगे। तो थोड़ा सा दूर दूर करके रखना है। इस तरीके से गाइस आप मोदक बना सकते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे और एक एक करके सारे मोदक रख देना। तो थोड़ा थोड़ा करके रखेंगे, अभी तो जगह इसमें कम है तो मैंने रोक लिया है। अब इसको ढक देंगे फिर दोबारा से इसमें स्टीम लगाएंगे। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो लीजिए फ्रेंड, 10 मिनट हो चुके हैं। इस तरीके से गाइस आप मोदक बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है बनाना। तो अब आप देख सकते हैं कितने बढ़िया मोदक बनकर तैयार हुए हैं। मोदक में शाइन आप देख सकते हैं कितनी गजब की आई है। तो गाइस ये चावल की मोदक परफेक्टली बनकर तैयार हो गए। तो लीजिए इसको एक एक करके निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं।
मोदक निकाल लेंगे, और सारे मोदक निकालने के बाद फिर वापस इसमें इस तरीके से रख देंगे। तो गाइस इस तरीके से आप मोदक बना सकते हैं। तो लीजिए मैंने जो सर्व कर लिए हैं मैं दिखा देती हूँ आपको। सो फ्रेंड्स इस तरीके से मोदक चावल के बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बने हैं मोदक। और आपको रेसिपी चावल के मोदक की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप नए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि मोदक कितने शाइन कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बने हैं। और गणपति बापा के लिए बनाए तो बढ़िया तो बनेंगे ही, क्योंकि प्रसाद है भोग के लिए बनाया। तो आप मेरी रेसिपी कौन सी जगह से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं गाइस, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस तरीके से आप बनाइएगा चावल के मोदक। और अगर कोई भी कमी रह गई हो तो आप कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी अच्छी नहीं बनी है, तो मुझको बुरा भी नहीं लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गणेश। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं बनाने जा रही हूँ गैस टिंडे और आलू की चटपटी मसालेदार रेसिपी। सो गैस अगर इस तरीके से आप टिंडा जो है फ्रेश टिंडा इस तरीके से आप ले सकते हैं, और इसको मैंने एक दिन पहले फ्रिज में रख दिया था। तो आप देख रहे हैं इसको मैंने दो तीन पानी से धो लिया है, और धोने के बाद आलू की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने एक आलू लिया है, टिंडे में अगर चाहें तो आलू आप डालें या आप आलू नहीं भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आलू पसंद है तो डालिए, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आपको रेसिपी इस तरीके से आप बनाएंगे तो सच मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। तो गाइस टिंडे को इस तरीके से काट लिए हैं छोटे छोटे पीसों में, एक आलू मैंने लिया है वो भी काट लिया है। इसको दो तीन पानी से धो लेंगे। तो गाइस उसमें पानी डाल के 5 मिनट के लिए रख दिया है, रखने के बाद दो तीन पानी से धो लिया है। एक डोलची में रख लेंगे ताकि पानी इसका निचोड़ जाए। और इस अब रखेंगे गैस पर लोहे की कढ़ाई, गैस को करेंगे ऑन और डालेंगे कड़वा तेल। तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी है, आधा चमचा से भी कम, क्योंकि ऑलरेडी हरी सब्जियों में कम ऑयल पड़ता है। और इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग और आधा टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा, और स्वाद अनुसार नमक, जीरा। और जीरा की जगह ऑप्शन है आपके लिए, आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं। तो प्याज मैंने बगैर विदाउट प्याज की सब्ज़ी में बना रही हूँ, तो आप हल्का सा जीरा डालकर इस तरीके से आप बना सकते हैं। और इसमें लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, धनिया पाउडर आधा टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून से कम रखिएगा, गरम मसाला एक चुटकी, क्योंकि हरी सब्जी में गैस गरम मसाला थोड़ा सा कम ही पड़ता है, ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो सब्ज़ी कड़वी हो जाएगी। तो गैस इसको एक नए तरीके से मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, तो गैस आपकी सब्ज़ी जलेगी नहीं। और इस तरीके से थाली रख देंगे, और थाली में रख देंगे पानी, और पानी डालने से क्या रहता है गैस, यो है आपकी सब्ज़ी जलेगी नहीं। गैस को लो फ्लेम पर कर दीजिए। तो गैस मैंने लो फ्लेम पर कर दिया, 5 मिनट हो चुका है, अब इसको चलाएँगे। तो अभी ये कच्ची है, अभी पकी नहीं है अच्छे से सब्ज़ी, तो फिर वापस वही थाली इस पर रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी अभी थोड़ी सी कच्ची है, तो इस तरीके से वही थाली रख देंगे। फिर 5 मिनट के लिए वेट करेंगे, गैस को कर देंगे लो फ्लेम पर। और तो लीजिए 5 मिनट हो चुका है, अब इसको चलाएंगे। थाली में पानी भरने से क्या रहता है गैस, उसमें पानी जो ऑलरेडी अपने आप सब्ज़ी में आ जाता है, और आपकी सब्ज़ी जलेगी भी नहीं। आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी सब्ज़ी में दिख रहा है, मैंने डाली नहीं है, मैंने सर्व कर लिया है। सो गैस मेरी टिंडे आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। आप कौन सी जगह से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं मेरे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आप लोगों के आसे पास गैस मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, और मैं अब मैं ब्लॉग डालूँगी और ब्लॉग में दिखाऊँगी आपको कि मोनेटाइजेशन कैसे हुआ है मेरा चैनल का। मिलते हैं राधे राधे। हेलो, वेलकम बैक, न्यू वीडियो गाइस। मैं बनाने जा रही हूँ आम का चटपटा मसालेदार अचार। तो आम का अचार बनाने के लिए गाइस मैंने लिया है अचार का मसाला, जो इस तरीके से जो आप देख सकते हैं वीडियो में, देख रहे हैं कि अचार का मसाला जो है वो मैंने लिया है चमन का। तो गाइस इस अचार के मसाले में सब मसाले होते हैं। अब क्या करेंगे, गैस ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे कड़वा तेल। कड़वे तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा उसकी नमी को ख़त्म करना है और खोल नहीं आने देना है। और जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा तो गैस को ऑफ कर देंगे, जैसे ही धुआं निकलने लगेगा। तो गैस आप इस प्रोसेस से आप अचार बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और टेस्टी बनेगा। और जो कच्चे आम का अचार मैं बना रही हूँ वो कच्चे आम का अचार बिल्कुल वैसा ही कर रहा रहेगा जैसे आपका आम का अचार आम है, कच्चा आम। तो गैस मैंने मसाला जो पैकेट लिया है पूरा, इस तरीके से इसको खोलेंगे, और खोलने के बड़े से बर्तन में इसको डाल देंगे। ना आपको भूनना है, ना आपको कोई मसाला चेक करना है कि कितना क्या कैसा क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो इसमें गाइस सब मसाले होते हैं, इसमें गाइस नमक भी पड़ा हुआ होता है, आपको बस कुछ नहीं करना है, झटपट आप आम का अचार बना सकते हैं, बस थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो इस तरीके से सारा पैकेट में जितना भी मसाला था वो एक बड़े से भगोने में निकाल दिया है। तो इस तरीके से इसको रख लेंगे, और इसमें डालेंगे मिर्च
मिर्च अपनी क्वांटिटी से डाल सकते हैं, टर्मरिक पाउडर और स्वाद अनुसार नमक थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ऑलरेडी इसमें नमक होता है और इसमें हींग भी डाल सकते हैं। तो तेल ठंडा हो चुका है, अब इस मसाले में इस तरीके से मिक्स कर देंगे और तेल अपने अकॉर्डिंग से ले सकते हैं। अभी पहले मैं मसाला भिगो रही हूँ, तो जब आम की कच्चे आम का अचार डालने के लिए उसमें जब आम डालेंगे तो तेल बाद में आप डाल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो मैंने मसाला भिगोया है इस तरीके से इसको भिगो देंगे और 3 दिन के लिए इसको रख देंगे। तो इस तरीके से आप मसाला बना सकते हैं गैस। तो अब मसाले को 3 दिन के लिए फुलाने के लिए रख देंगे। जब ये मसाला अच्छे से भीग जाएगा, 3 दिन के बाद जब अच्छे से भीग जाएगा तो अब आप देख सकते हैं गैस 3 दिन हो चुके हैं और इस तरीके से अब मसाला अच्छे से फूल गया है। अब इसमें कलर भी आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर आया है, और जो नमक इसमें होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, तो आप पता लगा सकते हैं कि इसमें अचार में मसाले में कितना नमक होगा। तो गैस एक कपड़ा लेंगे, और मैंने कच्चे आम ले लिए हैं। एक पैकेट में गैस 2 किलो आमियाँ कच्चे आम कटवा के लाई हूँ मैं, और इसकी जो गुठलियाँ होती हैं वो इसको निकाल देंगे और अच्छे साफ कपड़े से इसको पोंछ लेंगे। और पोंछने के बाद इसको धोना नहीं है, और ऑलरेडी पहले साफ करवा लिया था मैंने जब कटवाने से पहले। तो इस तरीके से एक एक बाकी इस तरीके से पोंछ लेंगे अच्छे साफ कपड़े से, और गुठलियों को निकाल देंगे। और तो लीजिए आप देख सकते हैं कि फ्रेश आमियाँ लिए मैंने एकदम। तो गाइस ये अचार जो है महाराष्ट्री अचार है, महाराष्ट्र में गाइस इस तरीके से अचार डलता है। तो मैं नए तरीके से लेके आई हूँ आपके लिए। इस प्रोसेस से अचार बनाएंगे तो आपका अचार सालों साल चलेगा और ख़राब भी नहीं होगा, और इसका स्वाद भी बहुत ही एकदम यूनिक होगा, और बहुत आसानी से आप अचार बना सकते हैं। तो जो मैंने छोटे छोटे पीसेस करवाए थे, आप चाहे तो घर में काटते हो, तो मैंने तो गाइस बाहर जहाँ से कच्चे आम लिए थे वहीं से कटवा के मैं लाई हूँ, और इस तरीके से मसाले में डाल देंगे। तो मसाला 3 दिन से भी रहा था, अब मैंने इसमें डाल दिए हैं कच्चे आम, और इसको चलाएंगे। और चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट मसाला है। एक पैकेट में आप 2 किलो कच्चे आम डाल सकते हैं। आप इसमें डालेंगे ऊपर से कड़वा तेल। कड़वा तेल आप क्वांटिटी से अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं चाहे तो। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। तो अब गाइस इसको रख देंगे 2 दिन के लिए ढककर, इस अच्छे से चला देंगे, और चलाने के बाद इसको 2 दिन के लिए ढककर रख देंगे। और आप सच मानिए एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इस प्रोसेस से बनाएंगे अचार तो आपका अचार की आमियाँ गलेगी नहीं, ऐसे ही टाइट रहेगी, और जिसका कच्चे आम का जो कलर है वो भी ग्रीन रहेगा साल भर, और आपका अचार भी परफेक्ट रहेगा। सो गाइस आप देख सकते हैं कि झटपट अचार बनकर तैयार हो गया है। बस आपसे 2-3 दिन लगते हैं अचार डालने के लिए। ना आपको प्रॉब्लम है कि मसाला कितना डालना है, क्वांटिटी कितनी रखनी है, इसमें आप हींग अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें कश्मीरी कलर भी डाल सकते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा कलर आएगा। तो गैस अगर आप मेरी वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, अच्छी लगी हो कमेंट में बताइएगा। इस तरीके से आप झटपट अचार बना सकते हैं। तो लीजिए गैस 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि हल्का सा कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, और जैसा कलर आप देख रहे हैं अचार का परफेक्ट ऐसा ही रहेगा और बदलेगा नहीं। इस तरीके से गैस आप झटपट अचार बना सकते हैं। अब मैंने ले लिया है एक डिब्बा, चाहे तो आप कांच का कंटेनर भी ले सकते हैं। और अचार आपका ख़राब ना हो तो मैं इसमें डाल रही हूँ एक ढक्कन विनेगर। तो विनेगर आप चाहे तो विनेगर डाल सकते हैं, अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो एक ढक्कन छिड़का भी डाल सकते हैं, छिड़का से भी अचार ख़राब नहीं होता है। तो गैस इसको चलाएंगे अच्छे से, चलाने के बाद अब आप देख सकते हैं परफेक्ट अचार बनकर तैयार हो गया है। अब डिब्बा ले लेंगे, और डिब्बे बिल्कुल साफ़ रखना है, बिल्कुल जब अच्छे से सूख जाए डिब्बा धूप में सुखाइएगा, और इस तरीके से इसमें अचार रख लेंगे डिब्बे में। तो गैस ये आपका अचार ख़राब नहीं होगा, और जैसे कच्चे आम आपके हैं और इसमें बिल्कुल परफेक्ट ऐसा ही रहेगा कच्चे आम का अचार। महाराष्ट्रीय अचार है गैस, न्यू रेसिपी है। अब इसमें आप तेल भर सकते हैं, जितना अचार है उतना आप तेल डाल दीजिए। अभी मैंने तेल नहीं डाला है, मैं बाद में डालूंगी, अभी मैं हल्का सा धूप में रखूंगी। तो गैस इसको 2 दिन के लिए धूप में भी हल्का सा रखना है, ताकि इसकी नमी जो है ख़त्म हो जाए, और धूप में फिर बाद में नहीं रखना है। मिलते हैं।